तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी का चैप्टर 5 आखिरकार आ चुका है और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल काकुमी का पार्ट 13। आज की वीडियो में हम प्लैनेट सैडाला के सैयंस की ट्रेनिंग को शुरू होते हुए देखेंगे। ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और क्रिएटर्स को अपना सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारा चैनल 100K के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा चैनल 100K के माइलस्टोन को जल्द से जल्द अचीव कर सके। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे, वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि किंग सैडाला ने सैयंस की पूरी एलिट आर्मी को बुला रखा होता है। वो बोलते हैं कि सभी के सभी सैयंस मेरी बात सुनो, मैं और तुम सभी के एंसेस्टर्स ने मिलकर शांति के लिए लड़ाई करी थी, पर बुरी खबर यह है कि अब वो दिन खत्म होने वाले हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने जो अनाउंसमेंट करी थी, वो सुनकर हम सभी हैरान हुए थे और हम सभी को एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा था। पर अब समय आ गया है कि हम लोग सभी को दिखा दें कि हम लोग खुद को डिफेंड कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत कर दी है। हम सैयंस वो लोग हैं जो कि हकीकत में जीते हैं, ना कि अपने सपनों में। तो वो सभी लोग जो कि मेरे साथ हैं, वो सभी लोग अपने हाथ उठाएं और स्वागत करें हमारे पड़ोसी यूनिवर्स के प्रिंस का, ताकि हम लोग साथ साथ लड़ सकें। किंग सैडाला की स्पीच सुन के सभी सैयंस जोश में आ जाते हैं। सभी के सभी एलिट आर्मी के सैयंस किंग सैडाला के लिए चीयर करने लग जाते हैं और किंग सैडाला के बोलने पर प्रिंस वेजिटा का स्वागत करते हैं। इसके बाद किंग सैडाला बोलते हैं, हमें अपने और अपने लोगों के लिए लड़ना होगा ताकि हम सभी को सम्मान से देखा जा सके। इसके बाद करीब 2 दिन बीत जाते हैं और हम प्लैनेट सैडाला को बाहर से देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लैनेट सैडाला की तरफ एक शिप बढ़ रही होती है। इस शिप के अंदर जैको, बुलमा और बाकी सभी लोग होते हैं। जैको प्लैनेट सैडाला को देख के खुश होता है। वो बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग आखिरकार पहुंच गए हैं। हम देखते हैं कि उनकी शिप एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर चुकी होती है और उनकी शिप एक लैंडिंग पैड की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ पर शिप्स आकर लैंड करती हैं। आखिरकार जैको शिप को सही सलामत लैंड कर देता है और हम देखते हैं कि जैको शिप से बाहर आता है। वो बोलता है कि आखिरकार हम पहुँच गए। जैको प्लैनेट सैडाला पे पहुँच के काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, पर बाकी सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जैको बोलता है कि ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, तुम सभी के फालतू प्लैनेट से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बुलमा, चिलाई और लीमो की हालत स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। बुलमा बोलती है कि मुझे याद दिलाना कि मैं ब्रोली के दिए हुए फूड को कभी भी ट्राई नहीं करूँगी। इसके बाद जैको अपनी जेब में से कोई गैजेट निकालता है। वो बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। वो उस गैजेट से बोलता है कि वेजिटा को ढूंढो। एकदम से वो गैजेट जैको के हाथ से उड़ जाता है और वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो गैजेट अपना काम शुरू करता है, वो इस प्लैनेट के सभी सैयंस के चेहरों को स्कैन करने लग जाता है और जैसे ही उसे वेजिटा मिल जाएगा, वो जैको को इन्फॉर्म कर देगा। जैको शिप से निकलने के बाद बिल्कुल फ्रेश लग रहा होता है, क्योंकि उसे स्पेस ट्रैवल की आदत होती है। वो सभी से बोलता है कि जब तक वो वेजिटा को ढूंढता है, क्या तुम सभी लोग कुछ खाना खाना चाहोगे। ब्रोली बोलता है कि पता नहीं यहाँ पर मुझे मकड़ी की टांगे खाने को मिलेंगी या नहीं। ब्रोली का दिया हुआ खाना खाने की वजह से चिलाए, बुलमा और लीमो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। बुलमा बोलती है कि इससे बुरी हालत मेरी कभी नहीं हुई। जैको और बाकी सभी लोग प्लैनेट पे घूमने लग जाते हैं। तभी जैको को एक कबाब का स्टोर दिखता है। जैको बोलता है कि यहाँ पर तो कबाब भी हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम शेफ़ को देखते हैं जो कि एक मछली को काट रहा होता है। जैको कबाब शॉप पर जाता है और बोलता है, दोस्त हम लोग 5 हैं, क्या हम यहाँ पर खाना खा सकते हैं। शेफ़ बोलता है, हाँ ज़रूर। जैको बोलता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद शेफ़ एक एक करके ऑर्डर लेने लग जाता है। चिलाई बोलती है कि मुझे डिश ऑफ द डे चाहिए। लीमो बोलता है कि मुझे भी। बुलमा एक सैलड का ऑर्डर देती है। जैको बोलता है कि मुझे शेफ़ की स्पेशलिटी चाहिए, यानी कि आपके कबाब। इसके बाद शेफ़ ब्रोली से पूछता है कि यंग मैन तुम क्या लोगे। ब्रोली को मेन्यू समझ नहीं आ रहा होता और उसे बस 3 पिक्चर्स दिखती हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 ही डिशेज़ हैं। चिलाई ने मुझे बताया था कि रेस्टोरेंट्स में काफ़ी सारी डिशेज़ होती हैं। चिलाई, लीमो, बुलमा और जैको ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। शेफ़ समझ जाता है कि ब्रोली को पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर वो काउंट नहीं कर सकता। ब्रोली शेफ़ से पूछता है कि क्या ये एक रेस्टोरेंट नहीं है। चिलाई बोलती है कि मुझे माफ़ करना शेफ़, मैं इसे सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हम वेजिटा, काबा, कलीफ्ला और केल को देखते हैं। आखिरकार जैको के गैजेट ने वेजिटा को ढूंढ लिया होता है और वो ये मैसेज जैको तक पहुँचा देता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरोज अभी भी खाना खा रहे हैं और जैको भी अभी खाना खा रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है। एकदम से जैको का गैजेट वेजिटा के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और वेजिटा को समझ नहीं आता कि ये क्या है। गैजेट मैसेज देता है कि वेजिटा मिल गया है। जैको खाते खाते बोलता है कि बहुत बढ़िया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना हाथ उठाता है और गैजेट की तरफ करने लग जाता है। जैको को वेजिटा की लोकेशन मिल जाती है, पर अचानक से ही उसका गैजेट काम करना बंद कर देता है और जैको को कुछ समझ नहीं आता। जैको बोलता है कि ये क्या हुआ, मेरा मैसेज वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा। एकदम से वो अपने गैजेट को पटकने लग जाता है। वो समझ जाता है कि उसका गैजेट खराब हो गया है। वो बोलता है कि अब मुझे उसके लिए भी पे करना पड़ेगा,
वो अपने गैजेट पर चिल्लाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ने गैजेट को तोड़ दिया होता है और गैजेट को ब्लास्ट उसने सीधा काबा के सर पे किया होता है। काबा बोलता है कि अगर ये किंग ने भेजा होगा तो क्या होगा। वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। कलिफ्ला बोलती है कि वो क्या था। जैसे ही जैको को समझ आता है कि उसके गैजेट के साथ क्या हुआ है, वो बोलता है कि मैंने अभी सभी की ड्रिंक्स के लिए पे किया है और बुलमा अभी भी खाना खा रही है, लगता है मेरी सारी की सारी जेब खाली होने वाली है। बुलमा को ये बात सुन के गुस्सा आने लग जाता है। वो जैको पे चिल्लाती है और बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। हम देखते हैं कि जैको उड़कर कहीं जा रहा होता है। उससे पहले बुलमा उस पर चिल्लाई होती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें वो खुद जाके लाना होगा। बुलमा बेसिकली जैको से ये बोल रही होती है कि अगर तुम्हें वेजिटा को ढूंढना है तो तुम्हें खुद जाके ढूंढना होगा। जैको खुद से बोलता है कि यहाँ पर तो सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, कितनी गलत बात है। हम देखते हैं कि जैको एक सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा होता है और ये सिटी काफ़ी कुछ नॉर्मल सिटी की तरह लग रही होती है, यानी कि ये सैयंस काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। इसके बाद हम गुहान के घर को देखते हैं। ये बात उस समय की होती है जब गुहान ने धरती को नहीं छोड़ा था, ये बात उससे पहले की है। हम देखते हैं कि पिकलो गुहान के घर पर आता है और गुहान, विडेल और पैन तीनों उसका स्वागत करते हैं। गुहान और पिकलो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। गुहान और पिकलो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पिकलो बोलता है, गुहान खूब दिल लगा के ट्रेनिंग करना। गुहान बोलता है कि चिंता मत करो, मैं करूँगा। इसके बाद पिकलो विडेल की तरफ देखता है और बोलता है, विडेल मेरा तुम्हारे से एक क्वेश्चन था, तुम पैन को मेरे साथ क्यों नहीं भेज देती हो, मैं उसे मेडिटेट करना और ट्रेनिंग करना सिखा दूंगा। गुहान ये बात सुन के एकदम से हैरान हो जाता है। विडेल पिकलो से बोलती है, पिकलो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद पिकलो बोलता है, विडेल मैंने गुहान को भी ट्रेन किया था जब वो सिर्फ 4 साल का था। विडेल को पिकलो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि वो समय अब ख़त्म हो चुका है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम यहाँ से जा सकते हो। एकदम से विडेल अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और पिकलो भी समझ जाता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है। पिकलो एकदम से मुड़ता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बारी देखेंगे। गुहान अभी भी हैरान होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया होता कि एकदम से क्या हो गया। इसके बाद विडेल अपने कमरे में जाने लग जाती है। वो बोलती है, गुहान चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें वेजिटा और बुलमा के पास जाना है। बेचारी 3 साल की पैन को भी अभी तक समझ नहीं आया होता कि क्या हुआ है। वो बोलती है कि मॉम को क्या हुआ और पिकलो कहाँ चले गए। इसके बाद विडेल एकदम से चिल्लाती है। वो बोलती है, पैन जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारे सोने का समय हो गया। गुहान इसके बाद हंसता है और बोलता है कि औरतों को कोई भी नहीं समझ सकता, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी उसी की तरह बनोगी। ये बोल के गुहान हंसने लग जाता है। इसकी कुछ देर बाद हम पैन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर बैठ के पढ़ रही होती है। तभी उसके रूम के बाहर कोई आता है। वो समझ जाती है कि ये गुहान या विडेल है और उसे डांट पड़ने वाली है। वो एकदम से लाइट बंद कर देती है और सोने का ड्रामा करने लग जाती है। गुहान रूम के अंदर आता है और बोलता है, पैन। तभी गुहान देखता है कि ज़मीन पर एक बुक पड़ी हुई है और वो समझ जाता है कि पैन अभी पढ़ रही थी। वो बोलता है, पैन मैं जानता हूँ कि तुम अभी पढ़ रही थी, मैंने सही कहा ना। पैन अभी भी सोने का ड्रामा कर रही होती है और गुहान बोलता है कि, पैन मैं जानता हूँ कि तुम सो नहीं रही हो और सिर्फ सोने का ड्रामा कर रही हो, और मेरे सामने ये करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खराटे लेती हो। पैन समझ जाती है कि अब झूठ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो बोलती है, डैडी मुझे माफ़ कर देना। पैन को माफ़ी मांगता देख के गुहान को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो पैन के साथ लेट जाता है। वो बोलता है, बच्चे मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें ज़िंदगी भर काम आएगा। लोग हमेशा तुम्हें उस तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम अंदर से क्या हो और तुम उस पर बिलीव करते हो या नहीं। तो इसीलिए कभी किसी को बताने मत देना कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिल साफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। पैन बोलती है, डैड आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गुहान को एकदम से याद आता है कि पैन सिर्फ 3 साल की है और जो बातें गुहान ने पैन से कही वो सारी की सारी पैन के सर के ऊपर से निकल गई। गुहान बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम सिर्फ 3 साल की हो। पैन बोलती है, नहीं मैं जल्दी 3.5 साल की हो जाऊंगी। गुहान पैन की बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब आराम से सो जाओ। इसके बाद गुहान रूम से बाहर चला जाता है और जैसे ही पैन का कमरा अंधेरे में होता है वो एकदम से फिर से बैठ जाती है और अपनी बुक रीड करने लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में प्लैनेट सैडाला पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने कोई लैंड करता है और ये होता है जैको। जैको बोलता है, हाय वेजिटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि तुमने एक बहुत ही एक्सपेंसिव गैजेट को तोड़ दिया था। वेजिटा बोलता है कि मुझे तुम्हारे गैजेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जैको को ये बात सुन के गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। जैको बुलमा के बोलने पर यहाँ पर आया होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है,
इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर आने में पूरे 2 दिन लगे हैं और यहाँ पर मैं तुम्हारी वाइफ के बोलने पर आया हूँ और मेरे साथ 3 और बेवकूफ़ भी हैं। तभी वेजिटा बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जैको वेजिटा काबा केल और कलीफ्ला को लेके बुलमा के पास जाता है और वहाँ पर जाके वो सभी लोगों से मिलते हैं। कलीफ्ला बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। बुलमा अभी भी खाना खा रही होती है और इसके बाद वो मुड़ के वेजिटा को देखती है। आखिरकार बुलमा वेजिटा और बाकी सभी सैयन से मिलने वाली है, तो आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।